नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की तबीयत को लेकर अब नई महाभारत शुरू हो गई है। बीजेपी ये पूछ रही है कि उद्धव ठाकरे को क्या हुआ है और वो विधानसभा सत्र में क्यों नहीं है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि अगर उद्धव की तबीयत ठीक नहीं है तो वो अपना चार्ज किसी और को दे दे। अगर किसी मंत्री को चार्ज नहीं देना चाहते हैं तो कम से कम अपने बेटे को ही जिम्मेदारी दे दे। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। कल डिप्टी सीएम अजीत पवार ने यह कहा था कि मुख्यमंत्री आज विधायकों की मीटिंग में आएंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे आज नहीं आए। सत्ता पक्ष के विधायकों की मीटिंग अजीत पवार ने की। उद्धव ठाकरे की तबीयत को लेकर सबसे ताजा अपडेट दिया है उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि सीएम की तबीयत ठीक है। सीएम साहब एकदम बरे आहेत। सकाळी पण फोन, काल पण कॅबिनेट झाली, त्यांना जेव्हा योग्य वाटेल तेव्हा ते येतील। कारण आता पण उपमुख्यमंत्री म्हणून सांगितलं की जेव्हा सीएम साहेब येतील तेव्हा आपल्या सर्वांना कळेल। उद्धव ठाकरे की तबीयत को लेकर बीजेपी के सवालों पर सबसे तीखा अटैक किया है शिवसेना सांसद संजय राउत ने। संजय राउत ने कहा कि अगर किसी को संदेह है तो मुंबई जाकर उद्धव से मिल लें। महाराष्ट्र बीजेपी की तबीयत बिगड़ गई है, लगता है कि महाराष्ट्र बीजेपी को आईसीयू में भर्ती कराना होगा। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत हमारे साथ हैं। सर, उद्धव ठाकरे की तबीयत को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, लिहाजा किसी और को उनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। आप सब लोग मुंबई में आइए, जिनके मन में कुछ शंका है मैं आपको मुंबई में आने का न्योता देता हूँ। आप आइए मुंबई में, हम उद्धव जी से मिलेंगे, आप देखिए तबीयत क्या है उनकी। ये लोगों की तबीयत बिगड़ गई है, बीजेपी वालों की, महाराष्ट्र की, क्योंकि हमारी सरकार की भी तबीयत ठीक है और मुख्यमंत्री की भी ठीक है, इसलिए उनकी तबीयत बार बार बिगड़ रही है। लगता है उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा अभी सबको। चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि अगर उद्धव जी को किसी पर भरोसा नहीं, कम से कम अपने बेटे यानी आदित्य ठाकरे को ही मुख्यमंत्री बना दें। ये चंद्रकांत पाटिल जी कौन है? अपने पार्टी की तरफ देखिए, हमारे पार्टी में हमारे सरकार को क्या करना, हम देखेंगे। हम सक्षम हैं, आपकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ, आपको जनता ने विपक्ष में बिठाया है, आप वो काम ठीक से करिए। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि सिर्फ संजय राउत ही बोलते हैं। मैं ही बोलूँ, मैं पार्टी का नेता हूँ, पार्टी का मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी ये दी है। मैं उद्धव ठाकरे जी का मित्र हूँ, सब कुछ हूँ, पार्टी हमारी है। आप अगर हम पर हमले करेंगे तो मैं बोलूँगा, क्योंकि मुझे बोलने की क्षमता है और आप मेरी बात सुनते हो, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। मैं ही ठोक दूंगा ना आपको, आप मुझसे डरते हो मुझे मालूम। जनता क्या भरोसा देंगे तबीयत को लेकर, उद्धव जी कब से संभालेंगे ठीक से? जब यहाँ मोदी जी संभालेंगे। देखो, मोदी जी भी तबीयत उनकी बहुत स्वस्थ है, कितने बार आपने उनको देखा पार्लियामेंट में, तो उद्धव जी भी आ जाएंगे विधानसभा में और जरूर आएंगे। संजय राउत का हमने बयान सुना और सीधे रुख करते हैं दिनेश मौर्य का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश, संजय राउत के बयान से ही मैं आपसे जुड़ा हुआ सवाल पूछ रही हूं। जब सब कुछ ठीक है, जब उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक है, तो वो क्यों नहीं सबके सामने आ रहे हैं? क्यों जब आज बैठक पे पहले आने की बात कही गई विधायकों की, वो उसमें शामिल नहीं हुए और बहुत से सार्वजनिक कार्यक्रम जिसका वो हिस्सा नहीं बने? जी बिल्कुल, देखिए यही एक बड़ी बात है जिसका जवाब शिवसेना को दिए नहीं दिया जा रहा है। अगर लगा सच में वो पूरी तरह से ठीक है तो आज उन्हें विधान भवन में आना चाहिए था, भले सदन की कार्रवाई में हिस्सा ना लेते, लेकिन चूंकि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा था कि आज सुबह की 9 बजे की बैठक की अध्यक्षता जो है वो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में होगी, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं आए। उसके बाद उनके नेता ने 1 घंटे पहले शिवसेना की तरफ से आधिकारिक बयान दिया गया था। उनके जो विधायक है सुनील प्रभु ने कहा था कि किसी भी पल जो है मुख्यमंत्री इस विधान भवन परिसर में आ सकते हैं। उस बयान को दिए हुए 1 घंटे बीत चुके, लेकिन अभी भी वो कभी भी वाला पल नहीं आया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो लगातार शक किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, उनका ऑपरेशन हुआ था और ठीक, जब उनकी स्थिति ठीक हुई उसके बाद ही उन्हें डिस्चार्ज दिया गया। उसके बाद उन्हें डॉक्टर्स जो है उन्हें फिजियो भी करने के लिए लगातार सलाह दे रहे थे।
कुछ दिन पहले खुद शाम के समय उद्धव ठाकरे सत्र शुरू होने के पहले इस विधान भवन में आए थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके बाद से क्या हालात बदले हैं, क्या उनके सेहत में किस तरह का कोई बदलाव आया है, उनका फ्रेश मेडिकल बुलेटिन जो है वो कब जारी, उसको जारी करने को लेकर सीएमओ क्या किस तरह कोई विचार कर रहा है, कई सारे सवाल है जिसके जवाब देना अब बहुत जरूरी है, क्योंकि सुबह से इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री का, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री नहीं आए, सिर्फ एक बयान जो तीनों बिल्कुल दिनेश, और यही कारण है कि ठीक है जी, मुख्यमंत्री की तबियत को लेकर अब महाराष्ट्र में सियासत भी हो रही है। बहरहाल उद्धव ठाकरे की तबियत को लेकर आदित्य ठाकरे ने क्या कहा, एक बार उसे फिर से सुनते हैं। सीएम साहब एकदम बरे आहेत, सकाळी पण फोन, काल पण कॅबिनेट झाली, त्यांना जेव्हा योग्य वाटेल तेव्हा ते येतील, कारण आता पण उपमुख्यमंत्री म्हणून सांगितलं की जेव्हा सीएम साहेब येतील तेव्हा आपल्या सर्वांना कळेल। उद्धव ठाकरे के बेटे के बयान को आपने सुना, तो वहीं इससे पहले बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की सेहत को लेकर बड़े सवाल उठाए थे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक नहीं है तो वो अपने बेटे को ही जिम्मेदारी दे दें। इसका जवाब मंत्री जयंत पाटिल ने दिया। जयंत पाटिल ने कहा कि सीएम की तबीयत अच्छी है, उन्होंने मंत्रिपरिषद में हिस्सा लिया था। ऐसा है कि वो बीमार है, थोड़ी बीमारी थोड़ी चिंताजनक है, तो उन्होंने ये जिद नहीं रखनी चाहिए तबीयत को ठेस पहुंचाकर कि मैं जाऊं, सिर्फ उन्होंने किसी को चार्ज देना चाहिए। सदन में जब प्रश्न उपस्थित होते हैं, मिनिस्टर जब कम पड़ता है, तो सीएम ने खड़ा होकर उसको जवाब देना चाहिए। सदन में कौन है, तो सदन में यदि उनको राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, और स्वाभाविक भी है, उनकी परंपरा इसी है, उनके पार्टी में किसी पर भरोसा नहीं है, तो अपने लड़के को दे चार्ज, आदित्य ठाकरे को, तो नहीं दे रहे तो आदित्य पर भी विश्वास नहीं। इस प्रकार से तबीयत के साथ उन्होंने एक दूसरे से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और तबीयत अच्छी नहीं है तो उन्हें आराम करना चाहिए, सिर्फ किसी को चार्ज देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की तबीयत अच्छी है, कल उन्होंने हमारे मंत्रिपरिषद में भी हिस्सा लिया था, और वो अभी इन दिनों में हॉस्पिटल से घर जा चुके हैं। उनकी डॉक्टर की सलाह के मुताबिक वो फिजियोथेरेपी और सारी चीज़ें कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द वो हाजिर हो जाए। विपक्ष का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री जी ठीक नहीं है तो अपना चार्ज किसी और को दे दे, आदित्य जी को भी दे दे, या फिर अजीत दादा को दे दे, लेकिन लगता है शायद उन्हें भरोसा नहीं है। चार्ज की कोई लेने देने की आवश्यकता नहीं है, हम सब मिलके राज चला रहे हैं, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के बाद में उप मुख्यमंत्री जी है। तो वहीं बीजेपी ने विधानसभा सत्र में उद्धव ठाकरे की गैर मौजूदगी को बड़ा मुद्दा बना दिया है। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है कि उद्धव ठाकरे को किसी पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए वो किसी को अपना चार्ज नहीं दे रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, सेहत पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इतना खुर्ची पे प्रेम अच्छा नहीं होता। हाँ, आपने हमारे साथ विश्वासघात किया, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आपके सहकारी भी आपके साथ विश्वासघात करेंगे। आपके परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री बनाइए, हम सपोर्ट करेंगे, मगर विदाउट ड्राइवर गाड़ी और विदाउट मुख्यमंत्री अध्यक्ष विधानसभा अधिवेशन, ये मुझे लगता है कि शोकांतिका है। जब आप काम करने में कष्ट होता है या अड़चने आती है तब पद दिया जाता है। शरद पवार साहब भी जब मुख्यमंत्री थे तो ऐसी घटनाएं हुई ना, वो कहीं विदेश दौरे पे गए तो उन्होंने चार्ज अपने सहकारी को दिया था। तो पवार साहब का बाकी मार्गदर्शन बाकी विषयों में चलता है, तो ये विषय में पवार साहब का मार्गदर्शन भी देना चाहिए ना। लेकिन चार्ज न देना क्या वजह हो, विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, और क्या है, उनको डर लगता है कि जैसा अपन ने बीजेपी के साथ और जनता के साथ जो किया है, बीज बोगे बबू के तो बेर कहाँ से आए, कल जाके अगर अजीत दादा को चार्ज दे दिया और फिर से अजीत दादा ने कह दिया कुछ गड़बड़ किया कि मैं चार्ज नहीं छोड़ता, मुझे किसी का समर्थन है, तो गड़बड़ हो जाती है। आपको सबको पता है कि मुख्यमंत्री जी के एक ऑपरेशन हुआ, उसके वजह से वो बेड रेस्ट पे है, और वो कभी भी विधानसभा में आ सकते हैं। जिस तरह से बीजेपी आरोप कर रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोकसभा और राज्यसभा में कम जाने वाले प्रधानमंत्री इस देश ने देखा है। भाजपा जिस तरह से लोकशाही मूल्य की बात करती है, उनको उस बोलने का कोई अधिकार नहीं है।
और रही तबियत की बात है तो वो किसी की भी खराब हो सकती, जो आरोप लगाते हैं उनकी भी हो सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।